Hello dear children, in this video we will learn how to draw an orange. इस वीडियो में मैं आपको एक ऑरेंज बनाना सिखाऊंगी. इसके लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाना है. अगर आप लोग से सर्कल नहीं बन पा रहा है तो कोई भी राउंड शेप का थिंग्स लीजिए और उसको पहले ऐसे रख के और एकदम हल्के हाथों से ड्रॉ कीजिए. पेंसिल को एकदम हल्का चलाना है ताकि इरेज करे जो एक्स्ट्रा लाइन है, जो अनवांटेड लाइन है, उसको जब इरेज करे तो वो अच्छे से इरेज हो जाए. ये राउंड सर्कल बनाने के बाद अब हम इस पे ऑरेंज का शेप देंगे. अब इसके लिए इतना राउंड तो एकदम ऑरेंज होता नहीं है. सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करेंगे, उसके बाद ये लाइन एक डालेंगे, इसको यहाँ थोड़ा सा ऐसे करेंगे, नीचे से भी हल्का सा लाइन को दबाएंगे और इस साइड से भी ऐसे करेंगे. अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है, ये वाला और ये इसको इरेज करेंगे और यहाँ भी एक्स्ट्रा इसको इरेज करेंगे. इरेज करने के बाद मार्कर से इसको मार्क करेंगे, पेंसिल वाले लाइन्स को. ये मैंने अनवांटेड लाइन को इरेज कर दिया है. अब ये ऑरेंज का शेप आ चुका है. अब इसको मार्कर से मैं मार्क करूंगी सारे पेंसिल वाले लाइन्स को. ये सारे लाइन्स हो चुका है. अब इसको मैं कलर करूंगी. सबसे पहले ये मैंने ऑरेंज क्रेयॉन्स कलर लिया है. अब इसको यहाँ से कलर करना स्टार्ट करती हूँ. इसके लिए ये आप बिल्कुल भी क्रेयॉन्स को जैसे तैसे लाइन को ना घिसे, वन वे में करें कलर. और ये मैंने ये राउंड शेप आना चाहिए, इसके लिए मैंने इसमें राउंड से ही सेटिंग किया है. ये कर्व लाइन आ रहा है, देखिए. यहाँ मिडिल में आते ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगा और फिर इस तरफ से भी इसको वैसे ही कर्व लाइन में सेट करेंगे, जैसा कि मैंने इससे पहले एप्पल बनाना सिखाया था, उसमें भी आपको बता चुकी हूँ कि राउंड थिंग्स को कैसे करना है. आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे. ये इसको अच्छे से मिक्स करना है, एकदम से इस तरह से पूरे ऑरेंज को कंप्लीट करते हैं. पहले ऑरेंज क्रेयॉन से, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग येलो करेंगे. ये अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ऑरेंज दिख रहा है, इसके ऊपर से येलो डालेंगे तब ये एकदम ऑरेंज का कलर अच्छे से आएगा. इसके लिए आपको सिर्फ सारे प्लेस पे बस ऑरेंज स्लोली स्लोली चलाते जाना है. ये देखिए बच्चों, ये हमारा ऑरेंज बिल्कुल रेडी है. लग रहा है ना एकदम फ्रेश ऑरेंज, अभी अभी मार्केट से आया है और बिल्कुल इजी और एकदम झटपट तैयार हो गया ये बनके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.